क्या इस्लाम निज़ाम नहीं देता इस्लाम ये नहीं बताता कि हाकिम कौन हो कैसे हो लेकिन दीन के नाम पर बैंकिंग सिस्टम भी है आपके पास या नहीं है मालियाती निज़ाम भी है या नहीं है ये, ये जो आइन पाकिस्तान तोड़ रहे हैं सिर्फ इलेक्शन लेट करने की वजह से इन्होंने अल्लाह का कानून तो पहले से तोड़ा हुआ है इसके खिलाफ कोई एंकर नहीं बोलता हम विलायत फकीर को मिसाल के तौर पर पेश कर सकते हैं कि वहाँ है कि मसला ईरान में जो वली फ़कीर कहा जाता है तो वली फ़की लोगों के वोट से नहीं बनता तो शर् शोहर बना लेते हो शर् बीवी बना लेते हो शर् आकेम में आके रुक गए हो वहाँ पास गए हो कि यहाँ पर लोगों से पूछना पड़ेगा आयतुल्ला उज़्मा हुमैनी मासूम नहीं है इमाम है मन जानेबल्ला क्यों नहीं है जबकि ऊपर से हर चीज़ वहाँ से आ रही है यानी हम हम फिल्टर कैसे करेंगे मौलाना मोदी तो आलिम आदमी थे चलो ठीक है उन्होंने एहत किया इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा अगर कहते मैं इमाम हूँ अब हम क्या करें ये जो आइन पाकिस्तान तोड़ रहे हैं सिर्फ इलेक्शन लेट करने की वजह से इन्होंने अल्लाह का कानून तो पहले से तोड़ा हुआ है इसके खिलाफ कोई एंकर नहीं बोलता सलामती है सलामती उन आँखों पर जो हिदायत पर नज़रें जमाए बैठी हैं उन कानों पर जो जिक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं और उन क़दमों पर जो हिदायत की राह पर आमजन है सलामैक्म वरहि वक् आप देख रहे हैं मैं और मौलाना मैं नाचीस मोहम्मद उबैस रब्बानी आज एक तसवर जो कि फ़िक्री है फलसफ़ा है और उसको अमल में बदलने की ज़रूरत है मगर उस पर तकाजा सवाल का है मुकदमा एतराज़ा का है पूछना चाहूँगा फ़लसफ़ा हुकूमत इस्लामी है पाकिस्तान है हुकूमत है, सियासत है और उसमें दीन का अमल दखल है हजरत इकबाल बता चुके हैं कि ये दीन अगर दीनियात की शक्ल में सियासत तक ना पहुँचा तो चंगेज़ी है और क्या है इसमें मैं आज मैं के इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ खुश आमदद कहता हूँ और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ आप तशीफ़ फर्माएँ हमारे साथ जवा नकवी अल्लाम वरह मोहम्मद। लामा साहब आलम इस्लाम में एक सवाल है और इस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स मैं कर चुका हूँ नतीजा नहीं हासिल हुआ हम कहते हैं इस्लाम हमें मुकम्मल ज़ाबत हयात देता है उठना बैठना सोना मरना जीना जागना क्या इस्लाम निज़ाम हुकूमत नहीं देता इस्लाम ये नहीं बताता कि हाकिम कौन हो कैसे हो और फिर उसका इंतख्या कैसे हो और निज़ाम हुकूमत इस्लामी क्या हो बस बुनियादी सवाल है आपका और अहम इस्लामी निजाम निज़ाम हुकूमत इस्लामी नुक़ नगर नज़र से अगर हम देखें तो इस्लाम की तशरी तबलीग में जो खलल पैदा हुए हैं बुनियादी तौर पर उनमें एक बड़ा खलल यही हुआ है कि इस्लाम जैसा क़ुरान करीम में अल्लाह तबारक व तौने बयान फरमाया और जिस तरह वसल्लम ने बयान फरमाया और क़ायम किया जिस तरह से उस तरह से उसको समझा नहीं गया और उसके लिए बहुत सारी मुश्किल पैदा हुई ज़ाहिर है जब हम ये कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल जबतः हयात है तो हयात इंसानी के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनमें असल ज़िंदगी इंसान की जो बड़ा हिस्सा इंसान की ज़िंदगी का है वो समाजी और इजतमाही ज़िंदगी है इंसान की इनफरादी ज़िंदगी और बाकी ज़िंदगी के पहलू वो इजतमाही ज़िंदगी के आगोश में परवरिश पाने वाले पहलू हैं यानी उन्हें हम कह सकते हैं कि वो बच्चों की हैसियत रखते हैं इंसान अच्छा। की ज़िंदगी के वो पहलू जो असल ज़िंदगी है वो इजतमाई है अगर हम कुरान करीम की तलीमत को देखें तो जितने खिताबात हैं क़ुरान करीम के वो सारे इज्ती हैं समाजी हैं इनफरादी खिताब नहीं हैं या यूह लदीन आमनुज्तमाही खिताब है और इसी तरह इसके मुशाबे या एूह नासमाही नास। खिताब है समाजी खिताब है ये और ये बात अगर हम क़ुरान से अटकर भी देखें हम तो अपनी अकल से देखें और अपना तजर्बा मुशाह भी देखें मसल अपने मुल्क में देखें तो आज हमारी पच्चीस करोड़ के करीब आबादी है और इस आबादी के जमीयत के ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू हैं वो सब किस के जेर साया वो पहलू हैं आज मस आया हुकूमत के जेर या किसी और निज़ाम के ज़ेर सया हैं यानी हुकूमत बाकी ज़िंदगी के पहलुओं के बारे में फ़ैसले करती है या बाकी शोबे हुकूमत के बारे में फ़ैसले करते हैं या कोई राय देते हैं तो ये मुशाहदा भी है अक़ल भी इंसान की यही कहती है कि पूरी दुनिया में ऐसे है हमारे मुल्क में भी ऐसा ही है कि हम सबकी ज़िंदगी का सारा पहलू हमारी हुकूमत के साय में ही गुजर रहा है मसलन तो आपका महबी पहलू आपकी हुकूमत के सय में है आपके मजहबी बिल जब तक हुकूमत में नहीं जाते तो उनको कोई हैसीयत हासिल नहीं होती आप के महबी इदारे जब तक हुकूमत उनको इजाज़त नहीं देती तो वो रस्मियत नहीं रखते कानूनी हैसीयत नहीं रखते आपका काम कारोबार है तो वह हुकूमत के जेर साजाम पाता है आपका ख़ानदान है तो वो हुकूमत के कवानी और हुकूमत के ज़बतों के तहत ही तश्ील पाता है और उसके सारे मामलों हैं आपकी तालीम है आपकी मीशत है हर पहलू ज़िंदगी का इनफरादी है या जो भी है वह सारा हुकूमत की छतरी के नीचे ही अंजाम पा रहे थे आप कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसे आप हुकूमत से आज़ाद समझते हों कि इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है निजी शोबा जिसे आप कहते हैं प्राइवेट जिंदगी क्या आप अपनी प्राइवेट जिंदगी में जो घर के चार दीवारी के अंदर गुजर रही है आप उसमें आज़ाद हैं हुकूमत से हुकूमती कानून वहाँ लागू नहीं होते आप अपनी बीवी पे तशद कर सकते हैं नहीं आप अपने बच्चों पे तशद कर सकते हैं आप उन्हें सजाएं दे सकते हैं आप उन्हें बुनियादी हक़ूक़ से घर की निजी ज़िंदगी में महरूम कर सकते हैं नो। आप उन्हें शक्ंजे दे सकते हैं आप कहें मेरी प्राइवेट ज़िंदगी है मैं चार दीवारी के अंदर एक बच्चे को पंखे से लटका दूं एक बच्चे को छत से लटका दूं एक बच्चे को उल्टा लटका दूं एक बच्चे को खाना दूं एक कोना दूँ कर सकते हैं ये अगर करेंगे तो फ़ौर हुकूमत आ जाएगी आपके घर के अंदर दाखिल होके और आपको पाबंद करेगी के तो यूँ नहीं है कि आपकी ज़िंदगी का कोई हिस्सा ऐसा है जो इस हुकूमत के निज़ाम से बाहर गुजर रहा हो सब उसके सय के नीचे हैं अब इधर से हम इस्लाम को कहते हैं ये दीन हिदायत है तो इंसान की जिंदगी को जहत देने वाला ये दीन है और ज़िंदगी का जो असल पहलू है वो समाजी और इजतमाही पहलू है और समाजी इज्तमाही पहलू के उसके लिए अगर हम ये कहें कि दीन के अंदर कोई हिदायत मौजूद नहीं है तो बाकी पहलू ज़िंदगी के वो तो इंसान खुद भी तशीस दे सकता है सही। असल जहाँ हिदायत दरकार है वो यही पहलू है इसमें दीन ने हिदायत दी भी है लेकिन हमने उस हिदायत का रुख मोड़ दिया है मसलन आप जो शुरू करते हैं दीन की जो बुनियाद है हम कहते हैं कलमा कलमाई तय्यबा ये कलमा तयब कोई दीनी नहीं है अच्छा न, कुरानी अतलाह नहीं है या इस तरह की कोई चीज़ नहीं मुकर की गई ये इसको कहते हैं ये इंतजायी है। यानी आपने कुरान की तालीमात से ये खुद अख्स किया है वरना वो जो कुरान के अंदर है मुसलमान होने के लिए वो शहादत है कलमा नहीं है हम कहते हैं कलमा पढ़ो मुसलमान हो जाओ कुरान कहता है शहादत दो तो मुसलमान हो जाओ अल्लाह तबारक ताल की वाहदानियत की शहादत दो रसूल सल्लासम की नबूत की शहादत दो और उनकी खातमियत की शहादत दो तो आप मुसलमान होते हो हम उसको हमने कलमा में तब्दील कर लिया कोई अर्ज नहीं है यानी यूँ नहीं है कि ये कोई ख़िलाफ़ बात हो गई है ठीक है लेकिन ये जो वान आपने शहादत कहें इसको या कलमा कहें ला अला ये असास बुनियाद है आप ला अला से शुरू करते हैं आप दिन के दायरे में दाखिल होते हैं तो ला से आप इनकार करते हैं जी। और अल्लाह के अलावा कोई अलाह नहीं है इलाह को हमने ये तफसीर किया है कि अलाह का मतलब होता है मबूद जिसकी इबादत की जाए और इबादत का माना किया है परस्तिश पूजा तो अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं कर सकते आप पूजा सिर्फ अल्लाह की करनी है लेकिन पूजा के अलावा जो सारा जिंदगी पूजा तो नहीं होती ना जिंदगी में खाना भी है पीना भी है उगाना भी है काटना भी है सीखना भी है पढ़ना भी है पढ़ाना भी है और ख़ानदान बनाना है बच्चे पालने हैं रोजगार नुं। नुं। ये सारा जिंदगी है ना ये तो पूजा तो आप ठीक है अल्लाह की करो पूजा में पाबंदी हो गई आपकी ये बाकी जो हैं आपके बाकी जो जिंदगी है पूजा कितना टाइम आपकी जिंदगी का कितना वक्त पूजा के लिए चाहिए तो असल जिंदगी का मैदान तो कुछ और है पूजा नहीं है असल तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है जन्म से लेके मौत तक के दरमियान जो आपका पूरा सफर है ये सारी जिंदगी है आपकी तो पूजा तो आप अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं कर सकते लेकिन हुकूमत किसकी हो सिस्टम किसका हो क़ानून किसका हो फैसला किसका हो निसाब किसका हो तरबियत किसकी हो ये सारी चीज़ें इसमें आप कहते हैं कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है सिर्फ इस्लाम पूजा के लिए आया है यानी इंसान बुनियादी तौर पर पूजा में फंसा हुआ था उसको ये समझ नहीं आ रही थी पूजा किसकी करनी है तो अल्लाह ने ये मुश्किल इंसान की अहलकार दी सिर्फ़ अल्लाह की करनी है लिहाजा आप पूजा अल्लाह की करो इतात किस की करनी है फरमान किसका चलना है कानून किसने बनाना है दस्तूर किसने देना है सिस्टम किसने बनाना है मंसूब किसने करना है माजूल किसने करना है अहदाफ किसने मुकर करने हैं रास्ते किसने बनाने हैं रास्तों के असूल आदाब किसने आपके लिए तय करने हैं ये खामोशी है इस्लाम में इस्लाम की सारी असासीत आपकी पूजा में है कि अगर पूजा ठीक हो गई आपकी बाकी कामों में फ़्री हैं आप जो मर्जी ये करें ये तशरी की है हमने कलमा की ये तशरी की है हमने इस्लाम की और फिर उसी के ऊपर फिरके बना कर पूजा किस तरह से करें हाथ बांध के करें हाथ खोल के करें हाथ बांधने हैं तो नाफ के ऊपर बांधें नाफ से ऊपर बांधें नाफ के नीचे बांधें ये इन में फिर आके हम मसरूफ़ हो गए जबकि इलाह का मतलब वो नहीं है जिसकी पूजा की जाए इलाह का मतलब है जिसकी इतात की जाए अच्छा जिसकी और यानी एक उनवान आपके लिए जो कलमा में है या शहादत में है ला इल्लल्लाह दूसरी बात जो आपके लिए अल्लाह तबारक व कुरान में मुकर किया वो आपकी अबदियत है आप सही अब्द का मतलब इबादत करने वाला पूजा करने वाला इलाह जिसकी पूजा की जाए और आबद पूजा करने वाला तो बात हमने अल्लाह को महदूद कर दिया पूजा के अंदर इंसान का फरीजा भी अल्लाह के बारे में इतना ही बनता है कि पूजा अल्लाह की करे लेकिन आबद का मतलब तो पुजारी नहीं है आबद का मतलब है इतात करने वाला इलाह का मतलब है जिसकी इतात की जाए सही। वो हाकिम जिसकी इतात की जा रही हो या की गई हो उसको कहते हैं अब जब इतात को और हाकिम को आप लेकर आ गए पूजा में तो आपने दीन का बड़ा हिस्सा दीन के ज़ुमरे से ही निकाल दिया और आज ये सूरत हाल पैदा हुई है कि आपने जो समाजी निज़ाम है निज़ाम है मीशती निज़ाम है आपका जो इंसान की ज़िंदगी की बुनियादें हैं ये तो आप ना क़ुरान से लेते हैं ना इस्लाम से लेते हैं ना तो आप रखते हैं इस्लाम की तरफ रुजू कब करने है कि पूजा कैसे करनी है पूजा कैसे करनी है लेकिन ये नहीं रुजू करते कि आप हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और ज़िंदगी के जो निज़ाम है वो निज़ाम कैसे हमने तश्किल देने हैं अल्लाह ने जो दीन उतारा वो तो अहकाम से पहले निज़ाम अल्लाह तबारकवा तुम मुकर किए हैं और उन निज़ामों को अल्लाह तबारक का ताला ने तब्लीग करवाई है तफहीम करवाई है तालीम दिलवाई है अम्बिया कराम के ज़रिए और उस निज़ाम में अब मुख्तलि नोयीत के इंसान की ज़िंदगी के तकाज़ों के मुताबिक वो निज़ाम है अल्लाह के लेकिन एक निज़ाम जो तम सब पर हावी है जिसके अंदर सारे निज़ाम गुजरने हैं वो हुकूमत है हाकमियत है इसी लिए हाकम है जिसकी इतात की जाएगी और वो हाकिम वो इला है जिसके नीचे सारे निज़ाम उलोहियत का हिस्सा हैं बाकी मसलन रुबूबियत है वो उलोहियत के तहत एक निज़ाम है अल्लाह तबारक वाली का और इसी तरह शरीयत में आकर फिर जो निज़ाम अल्लाह तबारक व ताल मु तकवीनी तौर पर जो अल्लाह तबारक व ताली ने निज़ाम मुकर किए हैं वो सारे लोहीत की तफसा तफासिल हैं निज़ाम की सूरत में सही। हमने दीन को अहकाम में मुंहसर कर दिया है वो अहकाम भी सारे जो इबादत से मुतक हैं इबादत का तर्जमा भी हमने पूजा किया है पूजा तो दीन को गोया हमने बहुत बड़ा नक्शा था जैसे अमूमन हम अपने रोजमर्रा मुहावरों में कहते हैं ना कोई चीज़ किसी को पसंद नहीं आती मस जैसे हमारे फौजी अफिसर होते हैं ये जब आते हैं ब्रीफिंग लेने सिविलियन इदारों के अंदर तो वो सेक्रेटरी बैठे हुए ना इनको नक्शे खोल के बताना शुरू करते हैं तो ये गमंडी होता है ये अफ़सर तो ये उसको कहता है इसको लपेट इसको वो कर इसको फेंक उधर ना ये एक आम मुहावरे में हम ये लाफ से इस्तेमाल करते हैं कि इसको लपेट इसको फलां बना और इसको उधर फेंक दो हमने इस तरह किया कि वो बड़ा नक्शा जो अल्लाह तबारक वाली ने इंसान की ज़िंदगी का बनाया था और उस नक्शे के लिए जो शरीयत का निज़ाम का दीन का नक्शा बनाया था हमने कहा इसको लपेटो सारे को लपेट के इसको फकत इबादत में मुनसर करो इबादत में मुनसर करके बाकी ज़िंदगी सुपुर्द कर दो गैर इलाही अल्लाह के अलावा बाकी जिनको कुरान ताबूत का अनवान देता है तावूत जो अल्लाह के नक्शे और अल्लाह के बताए हुए हदूद से बाहर निकल के ज़िंदगी गुजारे उसको तावूत कहते हैं जैसे फासिक अरबी ज़बान में उसे कहते हैं जो अल्लाह की मुकर करदा हदूद से बाहर निकल के अच्छा। दीन से बाहर ज़िंदगी गुजार रहा हो उसको फास कहते हैं मोमिन की असलाह है जो दीन की हदूद के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा हो हमने ये किया है कि जितनी भी वो वसअत थी दीन के अंदर उसको हमने महदूद किया है उसको महदूद करके समेट के उसको एक अमल के अंदर इबादत के अंदर मुनसर करके उसको दीन कह दिया है कह दिया। बाकी सारी इंसानी ज़िंदगी हमने दीन से बाहर निकाल के ठीक है इंसान के अपने सुपुर्द कर दिए कि आप ख़ुद इसके लिए सोचो और ख़ुद सोचा है हम अपने मुल्क में देखें हम जी हम अभी इस्लामी रियासत अपने आप को कहते हैं ये खूब इस्लामी रियासत में कौन सी चीज़ इस्लाम की इस्लाम के मुताबिक है आपकी हर निज़ाम तो आपका अपना बनाया हुआ है या दूसरों का बनाया हुआ आपने उसको कॉपी किया हुआ है।, ठीक है जब उस निजाम के मुताबिक आप अमल करने आते हैं तो फिर वहां फंस जाते हैं कि यहाँ शरीयत के अहकाम का क्या बनेगा जी। जैसे आप बैंक में जाते हैं जी जी जी। तो वहाँ आपको सूद याद आ जाता है कि यहाँ तो सूद लेन लेंद, देन हो रहा है और सूद तो कुरान ने कहा हराम है तो वहां पर फिर आप आते हैं जी सूद का मसला हल करने के लिए अलग से एक तहरीक शुरू कर देते हैं आप और फिर जो राय हल निकालते हैं वो ये है कि ये ही जो खा पी रहे हो लेन देन कर रहे हो ये करते रहो लेकिन हमने ओल की मदद से कह दिया कि ये सूद नहीं है इसको आप हलाल है आपके लिए खाते रहो ये राय हल निकाला है हाँ। तो आपके पास दीन के नाम पर सिर्फ हरमत सूद है लेकिन दीन के नाम पर बैंकिंग सिस्टम भी है आपके पास या नहीं है मालियाती निज़ाम भी है या नहीं है मीशत का निज़ाम भी है या नहीं है तो ये जो हरमत है अहकाम है, है।, अच्छा, है।, है, है ये अल्लाह के निज़ाम के अंदर के लिए हैं अच्छा अल्लाह ने आपको मीशत का निज़ाम दिया है ठीक है उसके लिए ये अहकाम मुकर किए हैं यह हिदायत व हदूद मुकर किए हैं लेकिन अगर आप अल्लाह के निज़ाम को छोड़ के अहकाम अल्लाह के ले लें निज़ाम अल्लाह का छोड़ के इन अहकाम को लेकर किसी दूसरे के ग्राउंड में जाकर अप्लाई करना चाहें उन्हें कहें जी कि अहकाम हमारे चलेंगे निज़ाम बेशक आपका हो अच्छा यानी मीशत आपकी हो भी चलेंगे। और निजाम जब आप लाते हैं तो निजामों में जो एक मदर निज़ाम है ठीक है जिसने सारे निज़ाम बनाने हैं वो हुकूमत है सही है तो मेरा सवाल भी यही होना है तो असला इस्लाम का कोई हिदायत का निज़ाम काबिल तस्वर ही नहीं है ठीक है ये जो हमने इस्लाम को समेट के एक शीशी में बंद करके पूजा में और फिर मुसलमानों को लगा दिया पूजा करने जी, जी. में बाकी ज़िंदगी सौंप दी हमने ताबूतों को ठीक है इसके लिए राय हाल आप दें ठीक है तो फिर हिदायत तो फिर अल्लाह की तरफ से तो ना हुई हो तो सही, हिदायत ये तो खुद साख्ता ही निज़ाम साख्ता आपने, आपने बना मैं एक मख्तर से वफ़ा ले रहा हूँ जब लौट कर आऊँगा तो मैं निज़ाम कैसे कायम होगा और उस निज़ाम में नजम क्या होगा मैं ये पूछूंगा मैं और मौलाना में आपका इंतजार है तो अभी रह गुज़र में है कैदो मकाम से गुज़र मिसर हिजाज से गुज़र बारह सो शाम से गुज़र और तेरा इमाम बेहज़ूर तेरी नमाज बेसुर ऐसी नमाज से गुज़र ऐसे इमाम से गुज़र बात निज़ाम हुकूमत की हो रही है सब मख्सर एक सादा लो आदमी के लिए अगर उसको समझाने जाएँ तो क्या बताएँ इस्लाम क्या निज़ाम देता है निज़ाम में मंतख नुमाइंदगान कैसे इंतब पजीर होंगे निज़ाम की तरफ आने के लिए आपको एक तो ये जो रिवायती तशरी है इस्लाम की, की हुई है हुँ, हुँ. इसको बेशक रखें ठीक है मैं नहीं कहता ये किताब बंद करें आप इसको रखें लेकिन आपको एक मतलब या तफक् इस्लाम में अज्सर नव करना होगा हुँ. जिस तरह अलामा इकबाल रहमत उन्होंने जो अपनी फ़िक्र की बुनियाद करार दी है और उन्होंने अपना जो मरकजी ख्याल जाहिर किया वो यही है कि इस्लाम की अजसर नव शनाख्त की जाए दीन नया नहीं चाहिए शनाख्त नहीं चाहिए ये जो सबका शनाख्त है आप गुज्त सदियों से हम ले के उसको मीरास बना के गुजर रहे हैं उस शनाख्त के अंदर से निज़ाम नहीं निकलता अच्छा दीन में निज़ाम है लेकिन दिन की तफासिर में दीन की तशरीहत में दीन के तफसीलात में तबलीगत में निज़ाम की कहीं बात ही नहीं आती आप दीन को समझ लेना कि दीन हिदायत की एक पटड़ी है जो अल्लाह तबारक वाली ने बिछाई है रास्ता से रात तो इस पटड़ी पे जितने स्टेशन आते हैं वही आएंगे जिन शहरों से ये पटड़ी नहीं गुजरती नहीं गुजरती तो वहाँ तो नहीं जाएंगे ना आप एक ऐसे शहर ट्रेन पर जाना चाहते हैं जिसके यहाँ पटड़ी नहीं है जहाँ ट्रेन जाती ही नहीं है तो ये जो पटड़ी अल्लाह ने बिछाई है सिरात मुस्तकीम के नाम पर यह तो गुज़रती ही उस शहर से है जहां निज़ाम है यह गुजरती निज़ाम से है हा, हा। इसका पहला स्टेशन भी निज़ाम है दूसरा भी तीसरा भी आखिर तक निज़ाम है इसमें इसमें कोई और आबादी नहीं आती इसमें कोई और कबीला नहीं आता कुछ भी नहीं आता इसके सारे स्टेशन का नाम निज़ाम है सिस्टम है सारा लेकिन जो हमने तश्रह की है उसमें सारे सिस्टम सारे उड़ा दिए हैं हमने और सिस्टम्स की जगह पर दूसरे उमूर हमने उसकी पटड़ी नहीं बिछाई है उस पटड़ी पे कहीं भी निज़ाम का नाम ही नहीं आता लिहाजा अगर ये जो जारी तशरी है जिसके अंदर से फिरके तो निकलते हैं निज़ाम नहीं निकलता वाह आप अपने मुल्क में देखें शिया जब तफक्र करने बैठते हैं अंदर से फ़िरका निकल आता जी, है। जी, जी, जी। सुनी जब गौर दीन में शुरू करते कुरान पढ़ते अंदर से फ़िरका नजर आता है वो तो कहता है मुझे तो अपना ही फिरका नजर आ रहा है इसमें ज़हर है कि इस जहनीत से और इस निज़ाम से आप जितना आगे बढ़ेंगे आपको कहीं नज़ाम दूर दूर तक इस्लाम में नज़र नहीं आएगा आपको अलामा इकबाल की वसीयत के मुताबिक कम अज़ कम आज के जवान को आज की नस्ल को इस्लाम को असर नौ मुता करें पढ़ें उसको और जिस तरह हमारे दीनी बुजुर्गान फरमाते हैं कि इस्लाम को उसके अपने असली मनाबे में पढ़ें जाकर अच्छा जो असली माखज़ हैं उनसे पढ़ें आपका न कि इस्लाम को किसी से लें आप यानी जैसे हम देखते हैं ना कि खेतों में गले उगते हैं लेकिन खेतों में कोई जाता नहीं है गला खरीदने के लिए खेतों में गले उगते हैं तो वहाँ आड़ती पहुँच जाते हैं वो गले सारे आड़ती खरीद लेते हैं जी। फिर वो आड़ती वहां से उठा के मंडियों में ले आते हैं फिर मंडियों से वो गले आगे स्टोरों में चले जाते हैं फिर स्टोरों से आगे दुकानों पे चले जाते हैं तो हम कहाँ से जाके आटा खरीदते हैं दुकान से जी, दुकान वाले ने कहाँ से लिया स्टोर से स्टोर वाले ने लिया मंडी जाए जा, से मंडी ने लिया जा आड़ती से आड़ती ने उठाया खेत से तो ज़ाहिर है कि जब बीच में इतने हाथ इतने वास्ते पड़े हैं तो अब देखें उसमें फ़र्क कितना निकल आया कि ये गला पहले मस आड़ती के पास गया फिर मंडी में गया तो कीमतें उतनी उसकी बढ़ रही हैं ताजगी में भी फर्क फिर आ ये करते करते मिल में गया तो मिल वाले ने उसकी सारी प्रोटीन ही निकाल ली okay. उसके अंदर से निशास्ता सारा उसने निकाल ही लिया है अब आप जो आपको देता है फाइन आटा के नाम से तो ये आटा नहीं होता बाकी इसमें सब कुछ होता है <laughs> <इस में। laughs> तो यही हाल दीन का भी है कि दीन को आप लाए हैं वासतों से बस कुरान से दीन आया मुहदसिन उलमा के जहनों में उलमा ने फिर आगे फ़िरकों में फ़िरकों से फिर आगे उस आसातीद के पास आसातीद से फिर तालब इलमों के पास फिर वो पढ़े फिर मुफ्तियों के पास फिर आया आपके हुँ। पास हुँ। अब आपके पास जो बात आई है ये, ये डायरेक्ट कुरान से नहीं आई है ये घूमती घूमती आई है और जिस स्टेशन पर गई है वहाँ से इसको कुछ ख़ास बनाया गया बहुत सारे कुरान के जो तफासिर हैं उन कुरान के ऊपर जो फ़ुट नोट लिखे हुए हैं ये बहुत अहम हैं अच्छा यानी वो फुट नोट्स जितने भी हैं लिखे हुए तो वो अगर गौर करें तो वो असल में कुरान की नौज़ एक तरह से तसही है यानी कुरान की गलतियाँ नौज़ो निकाली हुई हैं। कि ये बात इस तरह होनी चाहिए थी अल्लाह तसी और तरह से कर दी अब मौलाना ने उसको ठीक किया है आयत को सीधा किया है कि ये मतलब इससे निकले हम कुरान को अगर समझना भी चाहते हैं तो उसके असली मम्बा से समझें खुद कुरान ही से समझें उसको ठीक है और इसके लिए हम एहतमाम करें कि कुरान हर इंसान को हर मुसलमान को कुरान समझ में आए भी मदद करें फोकहा भी मदद करें यानी क़ुरान समझना लोगों के लिए आसान बना दें उलमा व फोकहा का फरीजा तालीम कुरान है व फा का फरीज़ा नहीं है कि अपना फ़िक्र बना लें अपना फ़िरका बना लें अपना नज़रिया बना लें उलमा मुअल्लिम हैं चूँकि जो कुरान में ताक़द है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयानात में है वो कुरान की तालीम है जिसने कुरान पढ़ाया जिसने कुरान पढ़ा उससे अफजल कोई फ़कीह नहीं है का? तो असल फरीजा तो हमारा कुरान लोगों को तालीम देना है ताकि कुरान लोगों को समझ में आए अगर हम असर नौ कुरान को देखें चूँकि जो चल रहा है रिवायत उसमें कहीं वक्त ये बात आती ही नहीं है उसमें आपको ले जाते हैं उसी पूजा वाले पटड़ी पर ले जाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं कि अभी ये महीना है इसमें ये अमाल हैं दूसरा महीना आया उसमें यो अमाल हैं तीसरे में ये हैं अब खाना कहाँ से खाएं खाना खाने के लिए आपको इधर से कुछ नहीं मिलेगा नहीं। ये वजाइफ़ हैं ये फ़्राइज़ हैं ये नवाफिल हैं खाना खाने के लिए आपको किसी और मैदान में जाना पड़ेगा किसी और की तरफ रजू करना पड़ेगा पहनना क्या है ख़ानदान बनाना है उसकी ज़रूरियात क्या है इंसान की बाकी ज़रूरियात क्या हैं मानवी मादी खूस हमने जो एक गफलत बरती है वो ये है कि इस्लाम मानवीय का नाम है मादियत नहीं है नहीं। नहीं। इस राज़ तफसीर में और माद्यत के लिए मादियत तो सिरे से इंसान को दीन से खारिज कर देती है अच्छा। मादियत क्या है यही आपका घर बसाना बच्चे पैदा करना एक घर तामीर करना सही। उस घर के अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी फर्नीचर वग़ैरह पूरा करना सही। फिर अपने बीवी बच्चों के लिए महीने का खर्चा लेकर आना उस खर्चे की खातिर कोई कारोबार करना वो कारोबार उसकी वसत देने के लिए मज़ीद तक दो करना ये सब मादियत है इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ठीक है नहीं है इस्लाम कहाँ से शुरू होता है कि आप ये आपकी मर्जी है कि आप घर कहाँ से बनाएं आप खर्चा कहाँ से निकालें आप रोटी कहाँ से लाएं आप तालीम कहाँ से लें कारोबार कहाँ से करना है कैसा करना है ये इस्लाम नहीं है मानवियत में इस्लाम वो मानवियत है ठीक है खूब जाहिर है कि जब आप मादी असल जिंदगी क्या है फिर ज़िंदगी तो यही चीज़ें हैं यही जिसको आप मादियत कह रहे हैं यही जिंदगी है इसी के लिए इसी की रहनुमाई के लिए इसी का डिज़ाइन लेकर कुरान आया है कि ये काम कैसे करने हैं आपने ये मादियत ही जिसको मादियत का आपने नाम दिया है यही इंसान की दुनियावी ज़िंदगी इसी को कहते हैं यही नक्शा क़ुरान लेकर आया है कि इसी के लिए हिदायत आई है आपसे इसको कैसे बनाना है इसको कैसे संवारना है इसके ऊपर कैसे आपने चलना है इस राह पर ठीक है। तो ये तो आपने वैसे ही दीन से निकाल के दीन को मानवियत में मुंहसर कर दिया मादियत निकाल दी तो मादियत असल मैदानी जिंदगी तो यही है आज का इंसान मसा आज के पाकिस्तानी की मुश्किल क्या हैं? आज के पाकिस्तानी की के यही मुश्किल हैं तो ये तो दीन नहीं दे रहा उसको ये कौन देगा ये फिर हम रुझू करते हैं दूसरों की तरफ वो दे तो वो जब वो उनके हाथों तो बना हुआ मौजूद है वो दे देते हैं लेकिन उससे आपकी तबाही होती है तबाही होती है उससे आपकी मादियत भी ख़राब दुनिया भी खराब आख़रत भी ख़राब हो जाती है तो इसलिए बहुत अहम है कि यानी मरकज़ी निज़ाम हदायत का अल्लाह के नज़दीक भी हुकूमत है और आप गैर निज़ाम में भी देखें मसा आप सोशलज़म में जाएँ आप कैपिटल में जाएँ वो शुरू कहाँ से करते हैं हुकूमत से जी सरमायादारी निज़ाम क्यों चलेगा चूंकि हुकूमतें उनकी हैं, हैं।, हैं। सोशलिज्म कहाँ चलेगा जहां हुकूमत उनकी होगी तो इस्लाम भी वहां चलेगा जहां हुकूमत इस्लाम की होगी हुकूमत इस्लाम दूसरों को सौंप के हाँ। ख़ुद मस्जिद में जा बैठे पूजा के लिए पूजा के लिए <laughs> ये तो जिंदगी इंसान की तबाह हो जाएगी लामि साहब जैसे बात का तसलसल है और बहुत सारे लोगों ने अपने अफकार पेश किए मसलन आपसे पहले मौलाना अबूल महदूदी रम्ह भी अफकार पेश करते रहे और ख़ास तौर से इस्लामी निज़ाम हुकूमत पर आपने गुफगु की है बल्कि जहमत फरमाई है मुतहरक रहे हैं ऐसे ही डॉक्टर इसरार साहब रमोत लाला भी गुफ्तु करते रहे उनकी नाकामी की वजह क्या है अब तक कोई नतीजा क्यों नहीं आया उसकी वजह यह न कि यही काम जो मैंने इशारा किया ना कि उन्हें एक शनाख्त असर नो शुरू करनी चाहिए थी ये काम इन्होंने नहीं किया हमारे इन दो बुज़ुर्गों ने इन्होंने सबका मीरास को लेकर उसी को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की है मस मौलाना मोदी रहामतल आल ने जो इस्लामी निज़ाम इस्लामी रियासत ये सब बात की है उन्होंने बात करके जब उसकी अमली शक्ल में आई हैं तो उन्होंने वही कहा है कि ये सब कुछ हमें जमहूर के ज़रिए से इंतखा के ज़रिए से यानी राज तरीके से अब ज़ाहिर है कि जब आपको इस्लामी निज़ाम लेना है तो इस्लाम से लेना इस्लाम में है ये बात कि आपने इस्लामी निज़ाम अल्लाह का निज़ाम जमहूर की राय से कायम करना है अब जो नहीं आप कह रहे इस्लाम में यानी जमूर की राय राया कहते हैं जी शोरा का बैठना खलफा का इंतबा होना जमूर कहीं नहीं है इसमें ये अभी गुज्त कुछ दिनों ही मैंने ये अपने जुम्मे के खुतबा में इस मौजू को बयान किया है वो अमीरम्न आल असलम का कौल की तफसीर कर रहे थे कि इंसान के लिए सबसे बड़ी मदद जो है ना वो मुशावरत से होती है तो उस मानी से फिर मुशावरा के बारे में गुफ्तु के मैंने कि हमारे यहाँ अब उर्दू में मशवरा शा कुरान में भी लफ् शुरा है और उर्दू में लफ् मशवरा इस्तेमाल होता है और शुरा का माना हम ये करते हैं कि राय आरा जी सब की आरा जमा करना सबकी जी और फिर फिर उस आरा में से अक्सरियती राय के मुताबिक फ़ैसला करना ये शुरा का हम माना करते हैं अब हम आते हैं कुरान करीम की तरफ क्या आया कुरान में भी शूरा का यही माना है उर्दू में तो यही माना है पाकिस्तान में यही माना है मौलाना मोदूदी और दीगर बुजुर्गों ने शिया सब ने यही माना किया है शूरा का जी जी। अब हम कुरान करीम की तरफ आएंगे शूरा से क्या मुराद है आपकी कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला की तरफ अल्लाह का हुक्म है एक तो यह है वह आमरम शूरा ब और एक नबी अक्रम वसल्लम को फरमाने के वह शावर हम फिल आमर नबी को है कि आप मुशावर बनाए इनको मशवरत करें इनसे। तो नबी अक्रम सल्ला वसम को हुक्म है कि आप शूरा के जरिए यानी लोगों की राय जमा करें फिर अक्सरियती राय के मुताबिक आप शूरा का ये माना उर्दू तर्जमा के मुताबिक यानी ये जो वाह आप पर नाजिल होती है तो ये किस लिए है अल्लाह की तरफ से जो आपको दीन दिया गया है हिदायत दी गई है और अल्लाह ने पाबंदी लगाई हुई है कि जो आपने अपनी तरफ से भी कुछ नहीं करना वाला ख्वाहिश उनकी, उनकी पीछे भी नहीं चलना आपने अगर अक्सरियत के पीछे चले का आपको गुमराह कर देंगे वो तो उधर तो पाबंदी लगाई हुई है कि आपने ये अवाम की राय लेनी भी नहीं है और उनकी राय पर चलना भी नहीं है साथ ही ये फरमाया हो कि मुशावरत भी करें इनको तो दूसरी तरफ से कि आपने तो आप तो पाबंद है वाह पर अमल करने के अल्लाह के फरमान को आपने बजा लाना है ना कि लोगों से पूछना है क्या करना चाहिए तो ये एक ऐसा पैराडॉक्स बन जाता है जिसकी तरफ आप तवज्जो नहीं करते हमारे क़राम कुरान में जो शूरा का लफ्ज है अरबी लफ्ज है ये अरबी में शौर शीन के ऊपर जबर डाल के शौर शावार शीन वे ये अरबी लफजत में ऊलमान लगत ने माना किया है इसका शौर का मतलब होता है शहद के छत्ते से जो मक्खियाँ बनाती हैं शहद बनाती हैं उस छत्ते को उतार के उसके अंदर से छत्ते से शहद पूरा बाहर निकाल लेना इसको अरबी में कहते हैं शावारा शौर शौर यानी छत्ते के अंदर जो शहद भरा हुआ है मखियों ने भरा है इंसान उसको जाके उतार के निकाल के पूरा शहद सारा छते से अलग करे वो जो मोम होता है वो अलग हो जाए और शहद जो खुराक है या मिठास है जिसके अंदर वो अलग हो जाए इसी तरह अरबी ज़बान में है कि जब आप अरबी लगत में है कि जब आप घोड़ा ख़रीदने जाते हैं तो पता तो नहीं होता नस्ली घोड़ा है असली घोड़ा है हुँ। या आम सा घोड़ा है तो वहाँ मंडी में घोड़ों की मंडी में उधर सवार सवार होते हैं घोड़े दौड़ाने वाले तो वो उस, उसको कहा जाता है कि आप ये घोड़ा चेक करो टेस्ट करो इसको तो वो घोड़े पे बैठता है ज़ीन रखता है ज़ीन रख के घोड़े पे बैठ के दौड़ाता है उसको राउंड लगा के फिर वापस आता है तो जिन्होंने खरीदना है वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये असली घोड़ा है या नहीं यानी ये घोड़े को आज़माना और उस घोड़े की तशीस देना कि यह असली घोड़ा है या नहीं इसको अरबी लगत में शोर कहा जाता है और फिर इस तरह और उनके लघबी इस्तेमाल आ तो शोर का मतलब अरबी ज़बान के मुताबिक ये होता है कि किसी भी शय के छुपे हुए पहलू पिनहान पहलू हिडन पहलू निकालना बाहर निकाल लेना मसल आप कोई काम करना चाहते हैं मस सफ़र करना चाहते हैं जी। तो आपको सफ़र की कुछ चीज़ें तो मालूम हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके इलम में नहीं, नहीं हैं है। आप कराची से पंजाब आते हैं पंजाब का सफ़र करते हैं तो आपको पंजाब के सड़कों के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं सही। तो आप किसी शख्स के पास जाते हैं जो पहले आया हुआ हो तजर्बा हो जानता हो उसे जाकर पूछ लेते हैं कि भाई सड़क कौन सी बेहतर है किस शहर से जाऊँ किस रूट पे जाऊँ तो वो जो आपके इलम में नहीं है आप पर मख्फी हैं जो चीज़ें हुँ। हुँ। वो उससे जा मशवरा कर लेना यानी उससे मालूम कर लेना उससे कशफ करवा लेना इसको मशवरा कहते हैं मशवरा का मतलब होता है कि आपने जो नीयत की यह सोचा है उसके पिनहान पहलुओं के बारे में उन लोगों से जाकर वो पिनहान पहलू कश्फ करवा लें जो जानते हैं राय लेना नहीं है राय खुद शोर राय लेने को नहीं कहते शोर मख् पहलू उजागर करने को कहते हैं राय खुद अरबी लफ्ज है आरा अरबी लफ्ज है ना राय आरा वो तो देखने वाला नहीं है वो राय उसी दे ये राय भी उसी देखने वाले से ही निकला है ये ये लफ्ज दोनों का एक ही मादा है राय और रोयत अच्छा रोयत से जुड़ा हाँ वो एक ही दोनों मादा से निकले हैं कि क्या आप नहीं देख रहे हैं आप राय भी इसी को कहते हैं ना देखना उस किसी चीज को बांपना आपकी निगाह में क्या है इसके आपकी निगाह में क्या है तो शोर का मतलब होता है कि आप किसी एक दाना आदमी के पास जाए जो इस काम के और हम रोजमर्रा यही काम करते हैं आपको कारोबार करना चाहते हैं सोच लिया है आपने अपने तई मालूम कर लिए हैं लेकिन बहुत सारी अभी भी मख्फी पान पहलू ऐसे ओजल जो मेरे जहन में ओजल हैं वो मैं जाके दूसरों से पूछ लेता हूँ तो वो जो बताते हैं मैं उसके तनाजुर में फिर मैं ख़ुद जायजा ले लेता हूँ अब मुझे ये काम करना है या नहीं करना यानी अव्वल मशवरा का मतलब राय लेना नहीं है ठीक है दूसरा मशवरा का मतलब अक्सरियती राय से फैसला करना भी नहीं है अच्छा। मशवरा का मतलब होता है पिनहान पहलू मालूम कर लेना किसी भी तरीके से अच्छा। किसी से पूछ के करें जैसे आजकल पिनहान पहलू मशवरा क्या है नेट पे आप फौरन जाएँ सर्च पे डालें आप दुकान से कोई चीज़ लेना चाहते हैं कैमरा लेना चाहते हैं तो हमें तो नहीं पता सुना हुआ है नाम लेकिन पता नहीं है कि इसके और जो गैर नामालूम आलूम पहलू हैं मेरे लिए तो वो आप नेट से मशवरा कर रहे हैं आप नेट पे जो सर्च कर रहे हैं ये मशवरा कर रहे हैं आप घोड़ा है। जो दौड़ा रहे हैं आप तो घोड़े के पिनहान छुपे हुए पहलू आप मशवरा कर रहे हैं कश कर रहे हैं कि ये असली है नस्ली है या नहीं है तो अब यही चीज़ कुरान में अल्लाह तरमाईम शूरा बना कि ये आंखें बंद करके पंजाबी में कहते हैं अन्य होगी ये गई आपने अन्य वाह की यानी आंखें बंद करके बगैर देखे हुए कोई काम कर गुजरना या कोई फैसला कर गुजरना लेकिन देख बाल के उसके मख् हर पहलू का जायजा लेके फिर एक काम करना सर्च तहकीक करके सर्च करके काम करना आ, ये मशवरा है ठीक हो गया आप पहले सर्च करें रिसर्च करें फिर उसको आप फैसला आप करें फैसला उसी अथॉरिटी ने करने जिसके पास अथॉरिटी है फैसले की अच्छा राय से नहीं करना अक्सरियती राय से अगर अक्सरियत की राय के पीछे जाएंगे गुमराह हो जाएंगे मशवरा करना है मशवरा करना है मशवरा करना का मतलब राय लेना मीटिंग नहीं है मशवरा का मतलब यानी पिनहान छुपे हुए पहलू गोशे जाहिर करना है आप ये कहें कि ये जो आप शूरा पार्लियामेंट शूरा है शूरा मस इंतखबा शूरा है जी जी। मशवरा करें पिनहान पहलू इस मामले के लोगों से पूछें आप इंतबाब किन लोगों से कराते हैं तमाम हर आदमी जो बालग है पाकिस्तान में अठारह साल का है उसको वोट का हक है वो पागल है ठीक है वोट दे सके अठारह साल का होना चाहिए बेशक पागल हो है ना ऐसे मुजरिम हो मुजरिम हो फसिक हो फाजर हो नाफेम हो अहमक हो ये जिन लोगों को वोट दिलवाते हैं अब आप इनके घरेलू मसाइल में आ जाएं। जी। मसला किसी घर में जवान बच्ची है उसका रिश्ता आया है अब फैसला घर वालों ने करना है कि ये रिश्ता दें हम इनको हाँ करें या ना करें घर के अंदर ये सारी कैटेगरीज मौजूद होती हैं लड़का भी अठारह साल का होता है जी, जी। एक चर्सी भी बैठा होता है वहाँ पर घर में नशे एक ताया मामा भी बैठा होता है वहाँ पर जिसका वैसे दिमाग खराब है औरतें वहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन ताई फूफी चची बैठी होती हैं तो क्या उन सब में मीटिंग हो के राय होती है वोट देते हैं कि इस लड़की का रिश्ता करें या ना करें। अब तो नहीं करें अवल तो पहले तो बाजों को उठा के बाहर कर देते हैं बहुत खास मामला है कि तुम्हारी बैठ तुम्हारे सुनने का मामला नहीं हो नशे ही तुम बाहर हो जाओ जवान नापुख्ता लड़का तुम बाहर हो जाओ फला ताई बायर हो जाए हाँ, सिलेक्शन करते हैं हाँ वो जो थोड़े सूझबूझ वाले हैं वो चांद के आदमी बैठते हैं वो सुनते हैं बात करते हैं तो जिन लोगों को आप घर में घर बना रहे हैं कैसे घर बनाना है उनसे नहीं पूछते ठीक है बोले तो चुप करा देते हैं कि है। मुंह बंद रखो आप मुल्क बनाने में उनसे मुल्क बनाने में मुल्क का हाकिम बनाने में उनसे पूछ के आप तो ये तो बहुत बड़ी गुमराही है और कुरान यही कहता है कि ये नहीं है तरीका कार आपका मैं आपकी इजाजत सफल लूंगा और लौट कर आऊंगा दिलचस्प पहलू है राय और मशवरे में एक वाज लकीर है एक हदबंदी है ये वोट जो है ये राय है या मशवरा है नज़र ये आ रहा है कि इसके लिए हम अहल हैं भी या नहीं एक सवाल वादिया निशान है मैं और मौलाना में आपका इंतजार है मैं और मौलाना में आपका खैर मकदम है सैद जवाद नकवी आप तशीफ़ फरमा है और बहुत ही दिलचस्प पहलू निज़ाम हुकूमत इस्लामी हाकिम हुकूमत और उसके कवानीन और उसूल क्या होंगे और उनको मुंतखब करने वालों की अहलियत क्या होगी इससे बात हो रही है राम साहब यही तसलसल रहे मैं चाहता हूँ उसमें मुझे बड़ी तशनगी है और तलब मेरी पूरी हो रही है आपकी गुफ्तु से एक आम आदमी को तो यह हक हासिल नहीं है कि खास मंतख मामलों में वो अपनी राय या मशवरा दोनों ही दे सके मंतखी होते हैं तो क्या इस्लामी नज़ाम में भी कुछ ऐसे मंतखब हैं लोग जो शुरा का हिस्सा हैं उनही से राय ली जाएगी और वही मुंतख करेंगे हाकिम को नहीं जैसे आम लोगों को हक नहीं है खास लोगों को भी हक नहीं है अच्छा यानी यू नहीं है कि आपने राय से कायम करनी है लेकिन राय का दायरा तमाम तक फैला हुआ नहीं होना चाहिए हाँ। महदूद खवास एल हालद की राय से ये कम राय बिल्कुल शामिल ही नहीं है अच्छा अल्लाह तबारक वाली ने हदूद मुकर किए कवानीन बनाए उवाब दे दिए हैं आपको उस उसूल जवाबित में मुशावरत है वो आखिर तक है और हर मामले में है हर मामले में यानी चूँकि कोई काम भी आपने अगर करना है तो पहले उसके सारे पहलुओं का जायज़ा ले लो आप ये अलग चीज़ है राय लेना नहीं है राय से आप ये नहीं तशीस दे सकते आप जो अमूर अल्लाह ने मुतिन करने हैं आप उन पर राय नहीं ले सकते जैसे आप ओकात नमाज में राय नहीं ले सकते हाँ ना अवाम से ले सकते हैं ना ख़वास से ले सकते हैं रकआत हर नमाज की कितनी रकाहत हों उन पे राय नहीं ले सकते न फहा चोटी के फुका की भी राय कोई हैसियत नहीं रखती बेशक इसी तरह माह मुबारक रमज़ान के, के रोज़े हैं कब रखने हैं कब तक रखने हैं ये राय का मौजू ही नहीं है क्यों नहीं है इन पर क्यों नहीं राय ले सकते ये तो इस आवामी काम है वो तो गर्मियों में अब कितना सख्त होता है बाज़ बाज़त नमाज़ें सर्दियों में सुबह की नमाज बड़ी सख्त हो जाती है गर्मियों में ज़ोर की नमाज़ बड़ी सख्त हो जाती है तो अगर लोग राय दे के थोड़ी सी इसमें अपनी सहूलत के मुताबिक या अपनी तस्वीर से ये हक नहीं है इनको ये वो उमूर है जो अल्लाह ने तय करने हैं और अल्लाह ने अबलाक करने और तय करके दे दिए हैं आपको कि इनके तहत आपने करना है मस जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि आप निकाह करना है मुसलमान के लिए जो तरीक़ाक रखा गया है ख़ानदान की बुनियाद निकाह करना है आपने निकाह कैसे करें हम उसके उसूल बुनियादें बता दी गई हैं कि जब लड़का लड़की बालग हों दूसरा ये है कि इनमें पुख्तगी आ जाए रुशद आ जाए जो कुरान की असलाह के मुताबिक इनमें रुश्द आ जाए और पुख्तगी आ जाए यानी मामलाते ज़िंदगी समझने के काबिल हो जाए और जिंदगी का निज़ाम चलाने के काबिल हो जाए तो फ़ौर इनका आपस में निकाह करा दो ये वो जबता है जो अल्लाह तबारक वाली ने बयान कर दिया है अब आप इस जबे को बदल नहीं सकते आप कि निकाह के बजाय हम आज के ज़माने में कुछ और मतबाद चीज़ लें ना करना आप नहीं है इसको नफाज आपने देना है अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम को कि जब लड़की जवान हो जाए लड़का जवान हो जाए और वो लड़की और लड़का जब शरात उनके अंदर पाई जाती हूँ यानी लड़की में शादी की शराइत पाई जाती हूँ लड़के में शादी की शराइत पाई जाती हूँ जो अल्लाह ने बयान किए हैं ने तो आप उन शराइत के साथ अगर ये शादी करते हो तो ये आपने अल्लाह का निज़ाम नाफिज किया है अल्लाह के कवानीन लागू किए हैं यानी अभी हम क्या कहते हैं कि ये शरअन शोहर है ये शरअन बीवी है खूब आप कह सकते हैं कि शरअन कैसे हो गया ये शरीयत में तो इन दोनों का नाम नहीं है सही इनके वही नाजिल हुई है कि ये इस नाम का एजाज नाम का लड़का मसलन बुशरा नाम की लड़की से शादी करेगा ये तो ना रिवायत में है ना हदीस में है और इन दोनों की निकाह आपने किया है और कहते हो ये शर् मियाँ बीवी कैसे हो गए जवाब जवाब ये है कि ही हैं क्योंकि ये एजाज़ और बुशरा ये दोनों जब शरात अल्लाह ने जो बयान किए हैं ये दोनों इनके अंदर शराइ मौजूद थी और जो कानून अल्लाह ने बयान किया उस कानून के मुताबिक इनका सारा मामला तय हुआ निकाह पड़ा गया है लिहाजा शरीयत के अल्लाह के कानून के मुताबिक चूके हुआ है इस वजह से ये शर् है ये बीवी है ये। इसको आप अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक करेंगे तो शर् शोर मिया बीवी बनेंगे इसी तरह आप ये मिसाल दी है मैंने हुकूमत कैसे बनाएंगे निज़ाम के मुताबिक करेंगे वो तो अल्लाह ने शरात भी बता दी है पैमाना पे, भी बता दिया है, हदूद भी बता दी हैं वो हदूद आप लेकर आए जितने अफराद बालग हुकूमत के लिए बालग अफराद हैं जिनमें बलूक हाकमियत का है वाँ वाँ वाँ। उनको आप तशीस दें मौजूद है ना वो आपके माशरे के अंदर मौजूद हैं वो बुलूक की शरात अल्लाह ने बता दी है कि इमाम आपका आदिल होना चाहिए इमाम आपका आलम होना चाहिए इमाम आपका तदबीर वाला होना चाहिए मुदबिर होना चाहिए निडर होना चाहिए शुजा होना चाहिए उसके अंदर सलाहियत इकदाम होना चाहिए क़वत फैसला होना चाहिए ये सारी शराइत जब उसके अंदर मौजूद हैं अल्लाह ने मुकर किए हैं अब अल्लाह की मुकर किए हुई शराइ को लेकर आ जाएँ आप उसके सामने जो उसमें से आपको तश्खीस देते हैं कि ये वाजद व शराइत है उसे आप हाकिम मान लें और वह खुद अल्लाह की तरफ से शर् हाकम हो जाता है आपका ये आप बाकी जगह शर्श शोहर कैसे बना लेते हो तो शर्श शोहर बना लेते हो बीवी बना लेते हो शर् हाकिम में आके रुक गए हो वहाँ वहां गए हो कि यहाँ पर लोगों से पूछना पड़ेगा तो लोगों से क्यों पूछना पड़ेगा लोगों को तो तयन हाकिम का हक नहीं है और कुरान में मवानियत है इस बात की अच्छा सूर्य नसा में आया साठ में अल्लाह तबारक वाली का फरमाना है आया साठ है या क्या है उसके अंदर के अल्म तरा यामून अनुमनु अल्लाह ताला त फरमाने के नबी क्या आपने देखा है ऐसे लोगों को जो गुमान ये करते हैं यज उमून अन आमनु आप पर जो नाजिल हुआ है उस पर ईमान रखते हैं आपसे पहले जो नाजिल हुआ है आमनु बिमा इलैका वमा मिन क़ब्ल इस पर यह ईमान रखते हैं ये गुमान है इनका जाम है इनका व वहा का मुला तागूत Hmm. जब हाकिम चुनने, चुनने का वक्त आता है तहाकुम यानी हाकिम करना हाकिम चुनने का जब वक्त आता है तो तागूत को हाकिम बना लेते हैं अल्लाह जबकि था कि तागूत का इनकार करना है hmm. तो ये जो गुमान वाले लोग हैं मोमिन होने का है जब हा, हाकिम चुनने का वक्त होता है तागूत को हाकिम बना लेते हैं तो अल्लाह तबारक वाली ने आपको एक जाबता दे दिया है जैसे दीनी जाबतों से हम निकाह करते हैं हुँ. आप की गाड़ी के आप मालिक है, हैं शरन मालिक हैं या नहीं है शरण मालिक हैं कानूनन भी मालिक हैं आप अपनी गाड़ी के आप अपने घर के मालिक हैं आप अपनी जायदाद के मालिक हैं शरण मालिक हैं शरण मालिक यानी शरीयत ने आपको मालिकियत दी है खूब कहाँ आयत नाजिल हुई है शरात शराब में आ गया शरात में शराय अल्लाह ने शराब जिक्र की है कि ये शरात अगर पाई जाती हूँ तो शरीयत के तहत ये मालिकियत इसको हासिल हो जाती सही। है तो हम जो रोजमर्रा की मालिकियत है शरीयत के मुताबिक बना लेते हैं उसमें पार्लियामेंट में नहीं ले जाते हम ले जाते। सीधा डीलर के पास जाते हैं शराइ पूरी करने के लिए ना कि डीलर के कहने से मालिकियत होती है शरात पूरी करने की शरात क्या है कि ये चीज आप कीमत नहीं इसकी ये जिसकी जायदाद है ये आपके सपोर्ट करे ये दस्तखत करे साइन करे लैन दैन हो जाए तो ये आप मालिक हो गए मालिकियत मुंतकिल होके आपकी तरफ आ गई शरीयत में मुंतकिल होके आ गई तो जब आप मालिकियत शरी तरीके से हासिल करने के आपके पास हैं तरीके जोजियत शरी तरीके से हासिल करने के आपके पास है तरीके, पास है तरीके तो हाकमियत शर तरीके से क्या रुकावट है आपके पास सवाल है उसको क्यों छोड़ के बैठे हुए हैं जहन में है ना तागूत उधर तागूत को लाना है तागूत को अगर हुकूमत देनी है तो गाड़ी भी तागूत को दे दो आप बीवी भी, 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 भी तागूत को दे दो आप। आप शर, शरी हाकम और शरी शोहर और शरी मालिक वो फर्क क्या है इनके अंदर शरीय ने क्यामत तक के लिए आपको एक जाबता दे दिया है उस जबते के अंदर बनाते जाओ लोगों की तरफ मतलब मालिकियत के लिए लोगों की तरफ रुजू करें इलेक्शन हो कि मैं गाड़ी का मालिक बन जाऊं या मैं इस शो औरत का शोहर बन जाऊं तो लोगों से पूछूंगा मैं या शरीयत से पूछूंगा मैं तो हाकमियत भी इसी तरह है शरीयत से पूछना है शरीयत तो, ने शराब बता दी है आपको ठीक है अब मोटा मोटा सवाल जो किसी भी जहन से फ़ौरन उठेगा वो ये कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कहाँ है जो आप कह रहे हैं वो नजर कहाँ आ रहा है कि हम कहें ये है वो चीज़ उसकी शक्ल अगर हम देखें तो हम विलायत फ़ी को मिसाल के तौर पर पेश कर सकते हैं कि वहाँ है कि मसला ईरान में जो वली फ़की कहा जाता है तो वली फ़की लोगों के वोट से नहीं बनता वली फकी उस तरह से बना है जिस तरह शरीय में है कि वो फकी जो आदिल हो जो मुदबिर हो जो शजा हो निडर हो दलेर हो क़त फ़ैसला रखता हो अपने रब का मोती हो ये रिवायत के अल्फाज हैं मनकान अमिनफुका शांुक में से हो यानी दीन शनास हो जहर तो है हुआ। हुआ। जब अल्लाह के दीन के मुताबिक उसने हुकूमत करनी है तो उसको दीन की फहम समझ तो होनी चाहिए ना आप किसी को भी पकड़ के नहीं बिठा सकते आप हतमन उसको अल्लाह की हदूद का पता हो काजी भी वही होगा उसको पता हो कि अल्लाह के इन फैसले क्या हैं अ के अहकाम क्या हैं तमाम तफसील जानता हो वो सही। फिर उसके अलावा वो आदिल भी हो फिर उसके अलावा वो बाकी शराइ भी रखता हो वो हाकिम बन सकता है तुम्हारा तो ये हम मिसाल के तौर पर उसको पेश कर सकते हैं कि अमली एक सूरत है यानी हो सकता है ये आज के ज़माने में हुआ हुआ है फिर दूसरी चीज़ उसकी हम देख सकते हैं कि जो अल्लाह तबारकवा तै ने हाकमियत का यानी हमारे शिया इत्तेकाद के मुताबिक है वो इमामत का अच्छा तस्वुर है हाकिम यानी इमाम इमाम हाकिम ही को कहते हैं सियासी रहनुमा समाजी रहनुमा और इजमाही रहनुमा जिसके पास अल्लाह के दिए हुए इख्तियार हैं कि वो लोगों की हुकूमत कर सके जो मौला का माना है लगत में वलाए वली का वो भी साहिब इख्तियार होना है जिस तरह हजूर नबी अक्रम सलील्ह ने गदीर में हजतल में लोगों से इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारे नफूस पर तुम से ज़्यादा इख्तियार रखता हूँ या नहीं तो लोगों ने इकरार किया कि ऐसा ही है तो फिर फरमाया कि मन को तो मौला हो फा अली मौला हो हु। कि अगर मेरा इख्तियार था और मैं मौला था तो अब यह मौला है यह इख्तियारखते हैं आपका तो इमाम या वली का मतलब होता ही इख्तियार वाला है जिसको इख्तियार दे दिया गया हो वो इख्तियार इमामत का इमामत के निज़ाम की सूरत में अल्लाह तबारक वाली ने मुकर किया है और इमाम बनाना या इमाम को इख्तियार देना ये अल्लाह का काम है इख्तियार अल्लाह ने देने हैं लोगों ने सिर्फ तश्ीस देना है कि वाजद व शरात इमाम कौन है इस वक्त जिसकी हमने इतात करनी है जिसकी हमने पैरवी करनी है जिसके मुताबिक चलना है और वो इमाम पाबंद है कि वो सिर्फ अल्लाह के कवानीन नाफिज करे वो किसी न लोगों की आरह के पीछे चलेगा ख़्वाहिशात वो मना है उसके लिए ठीक है अगर आप अक्सरियत के पीछे चलेंगे गुमराह कर देंगे आपको ठीक है और ना ही खुद अपनी मर्जी कर सकता है ये नहीं कह सकता कि मैं ये चाहता हूँ मेरी तश्खीस यह है अल्लाह का फरमान यह है वो सिर्फ पाबंद है उसका वफ़राई तमन तबाह हवा हो ठीक है ये सवाल इसी की जब्त में और आखिरी सवाल होगा बहुत बड़ी पेचीदगी है इसका नतीजा निकल आएगा और हल निकल आएगा इन शाला आपने बताया कि इमामत का कॉन्सेप्ट जो है वही है यानी इमाम हुकूमत का सरबरा भी है रूहानी पेशवा भी है मजहबी पेशवा भी है और तमाम अमूर की हुकूमत उसके हाथ में है ऐसे दौर में मैं किसको इमाम बनाऊँ और तशह्य कॉन्सेप्ट के हिसाब से ज़ाहरा इमाम मौजूद नहीं है तो फिर मैं किस को नाज़म या निज़ाम हुकूमत सुपुर्द पुर्द करूँ खूब ये एक बात और है कि इमामत का लफ्स शिया के हाँ कम अज़ कम ऐसे हो गया और फिर शिया की वजह से गैर शिया में भी ये तसवर मुंतकिल हो गया है कि इमाम का लफ्स मुतरादिफ समझा गया है मासूम के जी। इमाम यानी मासूम साहिब इस्मत ना ये गलत फहमी है इमामत का मतलब इसमत नहीं है इसमत का माना इमामत नहीं है अच्छा मुमकिन है इसमत हो इमामत ना हो Hmm. जैसे हज़रत ज़हरा वो सारे मुस्लिम मानते हैं ये hmm. तो सिर्फ शिया का अकैदा नहीं है hmm. ये तो अकाबरीन मानते हैं सुन्नत के जयदा बड़े आइम्मा सुन्नत के मानते हैं इमाम फ़खर राज़ी जो हर चीज़ में शक को शुबा करते हैं उन्होंने भी ये तस्लिम किया है कि बीबी की इसमत है hmm. तो वो इमामत तो नहीं है उनकी यानी मनसब इमामत या दर्जा इमामत नहीं है लेकिन इसमत साबित है हज़रत ज़हरा सलाम अल्लाह के लिए तो ये अलग है इसमत का माना अलग है इमामत का माना अलग है अब जैसे नबूवत का माना अलग है इमामत का माना अलग है इसमत का माना अलग है नबी अक्रम सल्ह वसलम के आदम में नबी अक्रम नबी भी थे रसूल भी थे इमाम भी थे और मासूम भी थे ये सारी हैसीियतें थीं। अब अल्लाह व तला ने खत में नबूवत कर दिया और अब नबी नहीं आना लेकिन नबी के बाद नबी नहीं आना न कि नबी के बाद मासूम नहीं आना या नबी के बाद इमाम नहीं आना ये तो कहीं आयत नाजिल नहीं हुई कि नबी अकरम इमाम भी हैं और अब नबी भी हैं, लेकिन अब कोई और नबी उनके बाद नहीं आएगा जिस पर वही नाजिल होती हो लेकिन ये तो नहीं आया कि इमाम भी कोई नहीं होगा इमामत से ही तो आगे निज़ाम चलना है सारा इमामत में भी दो कैटेगरी जिस तरह इमामत में कह ले तीन कैटेगरीज हैं अच्छा एक इमाम हो नबी भी हो मासूम भी हो साहिब है, है। ये एक दर्जा कैटेगरी हो गई एक दर्जा यह है कि इमाम हो नबी ना हो मासूम हो इमाम हो और मासूम हो मासूम हो ये दूसरी दर्जा है ठीक है तीसरा दर्जा इमाम का जामत का इज्तमाही जामत हो हमियत का इमाम हो नबी भी ना हो मासूम भी ना हो वाह वाह हम इमामत को इसमत के बराबर करार देकर फिर कहते हैं जो इमाम नहीं है वो मासूम नहीं है जो मासूम नहीं है वो इमाम भी नहीं है यहाँ मुश्किल खड़ी हो गई आपके लिए अब इस तरह तो फिर अल्लाह ताला ने ख़ुद तावतों के हवाले नौज़ुबिल्ला अपनी उम्मत कर दी अपनी मखलूक कर दी चूँकि इमाम तो शीताद के मुताबिक सिर्फ़ बारह हैं और वो बारह इमाम ढाई सौ साल में आए हैं यानी पूरा जो ज़माना गुजरा है इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम महदी आल्लाम की गैबत कुबरा तक ढाई सौ साल बनते हैं ढाई सौ साल में आबादी कितनी थी मुसलमानों की इंसानों की कितनी आबादी थी आसानी से आज की यानी आबादी बढ़ने का तनासब आज निकाल के तो हम पीछे 1200 साल पीछे चले जाएँ तो आप पूरी ज़मीन की आबादी निकाल सकते हैं ठीक है और ज़ाहिर है कि उस वक्त पूरी ज़मीन तो रसाई में भी नहीं थी सिर्फ़ मशरक वस्ती था जी मशर के और उसके कुछ अतराफ़ के इलाके जो थे या एशिया का कुछ इलाका या अफ्रीका का कुछ इलाका ये आ गया था इस्लाम की सल्तनत में आ गया था तो इतनी सी आबादी के लिए मुतवातिर इमाम आ रहे हैं इमाम के वक्फे के बग़ैर इमाम अली के बाद इमाम हसन इमाम हसन के फौरन बाद एक दिन का भी बीच में वक्फा नहीं है इमाम हुसैन आखिर आखिर फिर आखिरी इमाम परदा गैबत में चले गए अब जो वक्फा शुरू हुआ वो बारह सौ साल का हो गया है तो ये कैसे हो सकता है कि हम सोचें कि वो तो थोड़ी जमीयत थी कम लोग थे बिला वक्फा इमाम आते रहे उनके अंदर और अब जब जमीयत करोड़ों अरबों की तादाद में ज़मीन की पहुँच गई है इनकी हिदायत के लिए एक भी इमाम नहीं है जो मासूम थे उन्हें गायब कर लिया और गैर मासूम को तो हक दिया ही नहीं है तो फिर इनको किसके हवाले तो जहर है ये मोदी के हवाले किया है कि इनके मोदी संभाले आकर दी ये तो नहीं सोच सकते आप ठीक है इनके लिए भी इमामत है अल्लाह तबारक वाली ने इनके लिए भी निज़ाम इमामत का बनाया है।, है और इमामत में वक्फा नहीं है वक्फा नहीं है ठीक है लम सब एक बहुत बुनियादी सवाल है गोया नशस् बर्खास्त होने को है मगर ये सवाल नहीं पूछा तो कर्ज़ रह जाएगा और इससे जुड़ा हुआ सवाल है मसलन आपने मिसाल दी कि इमामत की तीन स्टेजज़ हैं तीन लेयर्स हैं मसलन एक नबी भी है मासूम भी है इमाम भी है दूसरी स्टेज आपने बताई कि नबी भी है नबी नहीं।, नहीं है इमाम है और मासूम भी है और तीसरी स्टेज आपने बताई कि इमाम है मासूम नहीं है आपका तो ये अकीदा है कि नबी भी मन जानबल्ला होता है और इमाम भी मनसूब मन जानब अल्लाह होता है जो तीसरी स्टेज वाला है उसका इंतख्य भी अल्लाह करेगा नहीं, उसकी नॉमिनेशन बाई नेम नहीं अल्लाह की तरफ से है लेकिन उसके लिए जो पैमाना है यानी जाबता है वह अल्लाह की तरफ से है जैसे मैंने मिसालें दी कि आप ये कह सकते हैं ना कि मैं इस घर का मालिक हूँ और ये मालिकियत मुझे अल्लाह ने दी है अल्लाह के निजाम अल्लाह के कानून के मुताबिक मैं इसका मालिक हूं ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते सकते कह सकते हैं है ना अल्लाह ने तो किसी आयत में आपका नाम और आपकी मिल्कियत का जिक्र नहीं किया है शराइत में आ आगे शराइत में आ आगे मगर ये ये जाविया ऊपर तो नहीं था ये अल्लाह की तरफ से होगा ना मस जो काम आप अल्लाह के जबते के मुताबिक कर रहे हैं वो अल्लाह की तरफ से समझा जाएगा मैं जसारत करके सवाल और वाज कर लेता हूँ नाम ले कर मसल रसूल खुदा नाम के साथ इमाम भी हैं मासूम भी हैं नबी भी हैं आपके अकीदे के, के मुताबिक हज़रत अली मासूम भी हैं इमाम भी हैं और ये दोनों चीज़ें आप में जमा है मगर क्या आयतुल्लाह उमा हमनी मासूम नहीं है इमाम है मनजानेबल्ला क्यों नहीं है जबकि ऊपर से हर चीज़ वहाँ से आ रही है जब आप देखें ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान में है और अल्लाह की तरफ से बाई नेम्म कि ये अल्लाह के मुंतखब नबी हैं ये ये है लेकिन अली अलीम का नाम तो कुरान में नहीं है नहीं है नहीं है लेकिन वो है अल्लाह की तरफ से क्योंकि मनकुन तो मौला है मनकुन तो मौला है हाँ। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया है अल्लाह के हुक्म पर सही है उस अल्लाह के मुताबिक अल्लाह के फरमान के मुताबिक ये जो नामजदगी हुई है ये अल्लाह की तरफ से है ठीक है अब अगर अली अलैहिस्सलाम मालिक के अश्तर को कूफा का हाकिम मुकर्र कर देते हाँ। हैं फिर तो हो जाएगा तो फिर ये मालिक अशतर किस दर्जे में चले जाएंगे ये भी अल्लाह की तरफ से है या नहीं है फिर हो जाएंगे

हमारे बाद ये फुकाहा हैं आपके नहीं इसमें वो मनसूब जैसे मालिक अश्त नाम से हो रहे थे यहाँ भी नाम से होना शराइ वाला जाविया नहीं वो नाम से तो फिर ये होगा ना कि कितने अब कितना अरसा चलेगा और क़्यामत तक कितने नाम आने चाहिए फिर हर नाम के लिए एक माम मासूम साथ होना चाहिए ताकि उसको नामजद करे तो वो तो जैसे मालिकियत का मैंने कहा ना कि मालिक हर मालिक का नाम कुरान में होना चाहिए तो कितने कुरान उतरें फिर तो ये नहीं हो कि खुद साख्ता लोग दावेदार हो जाएंगे हर बंदा ही हो, हो सकता है ये हो सकता हाँ। है लेकिन ये उस सूरत में है कि अगर आप वो जब अल्लाह के उनमें डंडी मारें फिर हो सकता है लेकिन अगर उन जबतों की हिफाजत करें जैसा कि अल्लाह का फरमान है कि इनको नहीं छेड़ना अल्लाह के जबते तब्दील नहीं करना अपनी तरफ से यहूद की तरह हाथों से लिख कर अल्लाह की तरफ मनसूब कुछ नहीं करना जो अल्लाह ने मुकर कर दिया है उसी के मुताबिक आपने चलना है आगे तो फिर जैसे मालिकियत में हम नहीं करने देते ना जो शरी हदूद कानून मसल कोशिश करते हैं लोग कानूनी जबतों के खिलाफ कब्जे करते हैं लेकिन बिलाखिर कानून किसी जगह आकर उनके कब्जे को चैलेंज कर देता सही है तो ये कानूनी मालकियत नहीं होती शर् मालिकियत नहीं होती जो गैर शर्नी कानून, कानून को बाईपास करके आता है किसी जगह वो पकड़ा जाता है पकड़ा जाता। इसी तरह हुकूमत में भी वो जो चैलेंज करके आएगा जैसे मसला बनोमैया हैं ये बाईपास करके आए हैं हुकूमत में तो उनकी हुकूमत चैलेंज हो गई मौलाना मोदी कहते हैं नहीं है ये हाकि में शर् नहीं है ये न खलीफा तो रसूल है न खलीफा तोल्ला है ये तो चैलेंज हो गया ना ये

वो तो चैलेंज हो गया ना नहीं किया कि मुकाबले में महाज खड़ा हो गया तो जैसे खत नबूवत का कानून तोड़ा तो आप खड़े हो गए इसी तरह हाकमियत को तागुतियत में जब बदलते हैं तो क्यों खड़े नहीं हुए बनोमिया के सामने क्यों खड़े नहीं हुए मसलन अगर कोई भी शख्स अब तीसरे लेवल की इमामत का दावेदार हो तो मसल खड़ा होना पड़ेगा खड़ा होना पड़ेगा आपको यानी हम हम फिल्टर कैसे करेंगे मौलाना मोदी तो आलिम आदमी थे चलो ठीक है उन्होंने एहतजाज किया इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा अगर कहते मैं इमाम हूँ अब हम क्या करेंगे तो ज़ाहिर है कि आप यूँ तो नहीं ना कि आप दीन के बारे में आगा ही नहीं रखते आपको अल्लाह के आपको पाकिस्तान के आइन का पता है ना आज दिन जब कोई आता है जी मैं हाकिम हूँ डिक्टेटर आ जाता है तो लोग खड़े हो जाते हैं क्या आप नहीं हो हाकिम वो कला खड़े हो जाते हैं सियासी जमातें खड़ी हो जाती हैं यानी जो आइन के अपने आप को पाप आज कल यही शोर मचा हुआ है ना कि इलेक्शन वक्त पे नहीं हो रही तो आइन तोड़ा जा रहा है तो आइन के मुदाफिन है ना अभी मौजूद कितने आपके हैं मीडिया आइन की रेट लगाई हुई है कितने वकला हैं कितने दूसरे सब आइन का चर्चा है तो जब आइन तोड़ा जाता है तो शोर उठता है दीन तोड़ा जाता है तो क्यों शोर नहीं उठता होना चाहिए होना चाहिए अब आप ये कह रहे हैं कि झूठा अब ये मसलन ये जो आइन पाकिस्तान तोड़ रहे हैं सिर्फ इलेक्शन लेट करने की वजह से इन्होंने अल्लाह का कानून तो पहले से तोड़ा हुआ है इसके खिलाफ कोई एंकर नहीं बोलता में है। हम दीन के बारे में लापरवाह हो गए हैं आइन के, के बारे में नहीं हुए। करता दीन के बारे में इतफाक करता हूँ मगर जो इख्त में रख रहा हूँ वो ये कि तीसरे लेवल की इमामत को अगर कोई चैलेंज नहीं करता तो क्या उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा यानी उस नहीं किया जाएगा नहीं किया। तो फिर कैसे पता लगाएं कि ये राइट बंदा है इस इस मकाम के लिए जो तीसरे लेवल की इमामत है यानी उसके लिए देखें ना लोगों को तो नहीं कहा गया कि आप दीन छुट्टी करके घर चले जाएं और सिर्फ इस पर इसार करें जिस तरह आइन के बारे में है कि ठीक है आइन के मुताबिक हुक्मरान बनेगा लेकिन अगर कोई आइन तोड़ के आ रहा है तो लोगों को रोकना है उसको इसी तरह दीन भी दीन का मुखातब लोग हैं ना हदन लिन्नास नास के लिए है, कहीं ये नहीं है कि दीन फुकाहा के लिए है खवास के लिए है के के लिए, लिए दीन नास के लिए है, तो जब नास का जो दीन है ये तोड़ा जा रहा है जब तो नास को यहाँ क्याम करना पड़ेगा ना जिसका हुक्म भी दिया गया है अल्लाह तबारक वाली की तरफ से आ, मैं आ, फीसद से पूरी गुफ्तू से इतफाक कर गया ये जो परसेंटेज रह गई है गालिबा ये तश्नगी है जो मैं छोड़े जा रहा हूँ और मैं तो रखता हूँ कि एक और नशे में इस पर तफसली गुफगू हो जाएगी मैं हम बिल्कुल कुरान की उस उस मिजाज की तरह की जिसमें पूरा कुरान समझा दिया गया हरूफ मत को अभी भी आपके लिए सवालिया निशान छोड़ दिए गए शायद कि तश्नगी बढ़े इस सवाल को तश्नगी के तौर पर छोड़ाऊँ मैं अलाम साहब का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ आपने शफकत फरमाईनायत फरमाई और आपने आज के इस प्रोग्राम को अपनी अपने फ़िक्र से अपने इस्लामी फ़लसफे से निज़ाम

हमें तशरी करके नहीं बताया गया अगर वो चीज़ वजाहत हो जाए तो ये तशनगी हमारी जानब से है न ये कि सिस्टम में कमी रह गई है या वहाँ इसको नहीं बयान किया गया था बल्कि वहाँ पर उसको जिस तरह वो पहले हक़ पहली कैटेगरीज़ क्लियर हैं ये भी उसी तरह से वाज़े है अच्छा। लेकिन हमने ये दर्स भी पढ़ा नहीं है या हमें खोला नहीं गया तो भी ये भी नहीं हुई इसको सही हाँ वो हम पिछली जहनीय के मुताबिक इसको ले रहे हैं तो जहर पहले उसकी बुनियाद वाजे होगी तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपके लाला साहब जल्ला खैर